हेलो दोस्त, कैसे हो? दरअसल नीचे उतरो, मुझे प्यार करो, कान के पीछे गुदगुदी करो। एक मिनट। कैसा बेवकूफ बनाया? ये मेरी नई इजाद है, ये मिनिएचर वॉइस एम्प्लीफिकेशन यूनिट है। मैं भी देखूं? बहुत गर्मी है, यानी कि बहुत गर्मी, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होती। मेरे पास एक बेहतर तरीका है तुम सबको गर्मी से बचाने का। चले जाओ किसी सर्द मकाम पर। कौन से सर्द मकाम पर? बर्फीले हिमालय पर। मैं कल वहीं परवाज करूंगा, क्या तुम लोग मेरे साथ आना चाहोगे? लेकिन हाँ, वहाँ बेहद एहतियात बरतना, वहाँ खतरनाक येति बसते हैं। ये येति क्या होता है? तुम्हें येति नहीं मालूम? येति बेहद बड़े और वहशी होते हैं। तुम्हारे दादा जान मजाक कर रहे हैं, हकीकत में येति नहीं होते हैं बच्चों। ये कतई झूठ नहीं है, तुम लोग संभल के रहना, मुझे तो तुम येति की खुराक लगते हो। येति के मुतालिक जानकर तुम लोग डरे तो नहीं? तुम्हारे दादा जान मजाक कर रहे थे, तो क्या अब भी चलना चाहोगे? हाँ, हमें ले चलिए, ये वाकई हैरत अंगेज लग रहा है। और आखिरकार सालिम गर्मी की शिकायत करना बंद कर देगा। मुझे यकीन नहीं होता कितनी सर्दी है, मैं तो जम जाऊंगा। अब ये गर्मी की शिकायत नहीं करेगा। बहरहाल एक तरीका है यहाँ गर्म रहने का। वाकई? वो क्या? बर्फ के गोलों की लड़ाई। आई। सचमुच ये तो बहुत उम्दा तरीका है हरारत पाने का, है ना? माफ करना उबैद, मैंने तुम्हारी गर्माहट जाया कर दी। बच्चों, तुम्हारे लिए एक खबर है। यहाँ तो इस पर सवारी हो जाए। ख्याल रहे, ऐसी जगह जाना जहाँ तुम नजर में रहो, हेलमेट्स पहने रहना और जंगल से परहेज करना। उम्मीद है हमें ये भी दिख जाए। नहीं, उम्मीद करने की ना दिखे। उबैद, तुम ठीक तो हो ना? देखो, इन्हें ब्रेक कहते हैं उबैद, इन्हें खींचो और तुम रुक जाओगे। काश तुम्हारी जुबान के लिए भी ब्रेक होता। तुम इसी के लायक हो। देखो, बर्फ से ढका हुआ। नहीं, उन्हीं दरख्तों के करीब कोई हरकत कर रहा था, बहुत ही बड़ा और घने बालों वाला। मजाक अच्छा है उबैद। मैं संजीदा हूँ, हर किस वहाँ कोई था और मेरे ख्याल से वो येति ही था। उबैद, तुम जानते हो येति नहीं होते। होते हैं, सच में होते हैं, तुम्हारे दादा जान ने खुद ही कहा था। वो मजाक कर रहे थे। हाँ, लेकिन मैंने उसे देखा और उसने मुझे इशारा भी किया। तो एक ही तरीका बचा है, हम वहाँ खुद ही जाएं और अपनी आंखों से देख लें। तो चलो उबैद, हम जाकर तुम्हारा पूरा असरार येति तलाश करें। नहीं, ये कतई अच्छा ख्याल नहीं है। यहाँ किसी का नामो निशान तक नहीं उबैद। ओ अच्छा,
फिर ये क्या है? अरे नहीं, देखा तुमने, मैंने कहा था ना इसके लिए मंतक की वजाहत जरूर होनी चाहिए। सबूत ही तो है, वो एक येती है। हेलो नैनो। हेलो मंसूर। तुम्हारे ख्याल से ये कदमों के निशान किसके हैं? पता लगाता हूँ। हो गया, इसकी नस्ल अनजानी है। तो क्या ये सच है कि वो एक येती हो सकता है? नामुमकिन, येती अफसाने हैं, वो हकीकत नहीं है। मैंने कहा था ना, तस्वीरी सबूत जरूरी है। ठीक है, शुक्रिया नैनो, बेहतर है अंदर आ जाओ, नहीं तो ठंड लग जाएगी। जैसा तुम कहो। तो ये ती की तस्वीर खींचनी होगी उसके वजूद को साबित करने के लिए। मुझे नहीं लगता ये अच्छा ख्याल है, ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन तुम्हारे ख्याल से तो वो असल में है ही नहीं, तब वो खतरनाक कैसे हुए बोलो? चलो इन कदमों के निशानों का पीछा करें। लेकिन ये तो जंगल की जानिब जा रहे हैं। चलो, ये एक अहम दरियाफ्त हो सकती है। चलो मेरे लिए रुको। देखा तुमने, अब मुझ पर यकीन हुआ? ठीक है, कुछ तस्वीरी सबूत हासिल करते हैं। तस्वीर साफ नहीं आई, हमें थोड़ा करीब जाना होगा। आखिरकार वो कर क्या रहा है? शायद कसरत कर रहा है, थोड़ा मोटा है। जल्दी बच्चों, कैसे हो तुम तीनों? बेवकूफ बन गए ना? दादा जान? मैंने तुम्हारी वो आवाज बदलने वाली इजाद इस्तेमाल कर ली। मैं भी कुछ शरारत करना चाहता था। मैं तो जानता था कि ये सिर्फ एक लिबास है। सच में बहुत खुशी हुई कि आप ही है दादा जान। असल में कुछ लम्हों के लिए तो मैं ये मान बैठा था कि ये थी हकीकत में होते हैं। घबराओ नहीं उबैद, येती जैसा कुछ नहीं होता। सच में? फिर वो क्या है? जान बचा कर भागो। रुको। और सीन कट हुआ। बहुत मजा आया, बेहतरीन अदाकारी दोस्तों। हाँ, इल्मी नहीं था और किसी ने मुझे बताया ही नहीं कि ये सब फिल्म का हिस्सा बनने जा रहे हैं। कोई बात नहीं, सब अच्छा हुआ, हमने सारा दिन शूट किया। बर्फ का ये गोला बड़ा ही प्यारा था। आपका शुक्रिया, हमें भी खुशी हुई कि हम किसी फिल्म का हिस्सा बने। क्यों, सही कहा ना? ये गैर मुनासिब है, येती का लिबास पहनकर लोगों को डराना ठीक नहीं। Ha 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 ha